हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इको विश्वभम सर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लेके आ गया हूँ बी ए सिक्स सेम के एग्ज़ाम पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आंसर की। ये पेपर एग्ज़ाम पेपर कल ही एम एस यूनिवर्सिटी में हुआ है, माँ शांकु यूनिवर्सिटी में, और जो इस पेपर की बुकलेट सीरीज़ है वो डी है। तो आइए चेक करते हैं इसके क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिकमेंडेड रूल फॉर रिज्यूम राइटिंग। ये कह रहा है इसमें से कौन सा रिज्यूम लेखन के लिए अनुशासित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इंक्लूडिंग पर्सनल हॉबीज एंड इंटरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, विच मैथड इन्वॉल्व ए स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन विद एन असाइंड टॉपिक एंड ए मॉडरेटर टू गाइड द डिस्कशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पैनल डिस्कशन कहते हैं इसको हम। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन आफ्टर द ग्रुप डिस्कशन इज ओवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा बी, एवलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच पार्टिसिपेंट। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ ग्रुप डिस्कशन साइमल्टेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा बी, एनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स। दो सेकेंड रुकिए। फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं, विच बॉडी लैंग्वेज वी ऑफन इंडिकेट्स द कॉन्फिडेंस। कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करती है। तो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लीनिंग फॉरवर्ड स्लाइटली। थोड़ा आगे को झुक के रहना, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो है ढीली आवाज़ में बोलना, जो कि एक राइट एक कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, हल्के लाइट में बोलना। सेकेंड ऑप्शन इज अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बनाने से ही कॉन्फिडेंस आता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं सही है। और थर्ड भी डी फोर्थ भी ठीक नहीं है, क्रॉस रिलैक्स एंड आर्म्स। तो राइट ऑप्शन आएगा सी, लीनिंग फॉरवर्ड स्लाइटली। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच डायमेंशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ वोकल क्विज सच एज टोन पिच एंड वॉल्यूम। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपके पास पैरा लैंग्वेज। सेवन्थ क्वेश्चन, विच कल्चर ऑफन यूजेज ए क्लोज फिजिकल डिस्टेंस ड्यूरिंग इंटरेक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा मिडल ईस्टर्न। वैसे इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न मुझे भी कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि एशियन भी हो सकता है और मिडल ईस्टर्न भी हो सकता है, पर ज़्यादा लगता है मुझे कि ए होगा, मिडल ईस्टर्न। एट्थ क्वेश्चन, विच कल्चर ग्रुप विच कल्चर ग्रुप टेंड्स टू एक्सप्रेस इमोशन मोर ओपनली एंड विद गेस्चर। तो इसका मुझे लगता है राइट ऑप्शन जो जाएगा वो डी हो जाएगा, लेटिन अमेरिकन। वैसे थोड़ा ये भी डाउटली रहेगा क्वेश्चन, थोड़ा ये भी अजीब से क्वेश्चन है, पर ज़्यादा इसका बेटर ऑप्शन रहेगा डी, लेटिन अमेरिकन। नाइन्थ क्वेश्चन, विच बॉडी लैंग्वेज को इज जनरली कंसिडर्ड इन अप्रोप्रिएट इन अ बिजनेस सेटिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा डी, चेकिंग द टाइम फ्रीक्वेंटली। ये चेकिंग जो हम टाइम बार बार चेक करते हैं थोड़ा वो सही नहीं माना जाता। टेंथ क्वेश्चन, विच बॉडी लैंग्वेज को इज कंसिडर्ड प्रोफेशनल क्यूरिंग ड्यूरिंग ए नेगोशिएशन। तो टेंथ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मेंटेनिंग एन ओपन पोस्चर। इलेवंथ क्वेश्चन, विच बॉडी लैंग्वेज कोई मे इंडिकेट इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, चेकिंग ए स्मार्टफोन फ्रीक्वेंटली। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की बात की हुई है, तो टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ राइट ऑप्शन बी रहेगा, स्मार्ट वॉच को चेक करना। ट्वेल्थ क्वेश्चन, विच बॉडी लैंग्वेजेस क्यू में इंडिकेट इंक्रीज यूज ऑफ वर्चुअल मीटिंग्स। तो ट्वेल्थ का जो राइट को आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नॉडिंग ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस। थर्टीन क्वेश्चन, विच एक्शन इज कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट ऑन सोशल मीडिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा बी, शेयरिंग एम्बिशियस इंफॉर्मेशन। फोर्टीन क्वेश्चन, व्हाट शुड बी अवॉइडेड टू मेंटेन क्रेडिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया। तो फोर्टीन का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लस ए, एंगेजिंग विद फेक अकाउंट्स। फिफ्टींथ, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्टिंग द मैसेज इन टू फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई रिसीवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा 15 का वो जाएगा ए, एनकोडिंग। एनकोडिंग होता है जिसमें हम एक अलग लैंग्वेज में से कन्वर्ट करते हैं जिससे वो मैसेज को समझा जा सके। 16 क्वेश्चन, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। तो 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, चैनल के माध्यम से या चैनल के हम थ्रू हम एक वो कर सकते हैं, अपने प्रसारित कर सकते हैं अपने उसको। 17, विच एसेप्ट एस्पेक्ट
ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नॉन वेरबल कम्युनिकेशन। 18th, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द यूज ऑफ विजुअल एड्स सच एज चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल की बात की है तो आपके पास विजुअल कम्युनिकेशन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19th क्वेश्चन, विच कॉम्पोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिजिकल स्पेसिस। 19 का राइट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा प्रोक्सीमिक्स। 20, विच सी एंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन शेयर्ड इज एक्यूरेट एंड ट्रू। तो 20 का राइट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा सी, करेक्टनेस। 21 क्वेश्चन, विच सी सजेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग द फीलिंग एंड परस्पेक्टिव ऑफ द ऑडियंस। तो 21 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, कंसिडरेशन। 22, विच बैरियर इन्वॉल्व्स फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक नॉइज और डिस्टेंस। तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डी, फिजिकल बैरियर्स। 23, विच एस्पेक्ट ऑफ पैरालिंग्विस्टिक्स रेफर्स टू द हाईनेस और लोनेस ऑफ द वॉइस। तो 23 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, पिच। 24, व्हेन लिसनिंग स्किल इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग द स्पीकर्स मैसेज। तो 24 का आपका राइट ऑप्शन जाएगा डी, क्रिटिकल लिसनिंग। 25, विच डिटरमिनेट ऑफ पर्सनैलिटी रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंसिस दैट शेप एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। 25 का आपका आंसर हो जाएगा बी, एनवायरनमेंट। 26, व्हाई इज एसोसिएशन इंपॉर्टेंट इन ग्रूमिंग। तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा बी, इट कैन एवेल्युएट एन आउटफिट एंड एड पर्सनैलिटी। 27, विच टूल इज कॉमनली यूज टू क्लीन द स्पेसिस बिटवीन टीथ। तो 27 का राइट ऑप्शन आपका होगा सी, डेंटल फ्लॉस। टूथब्रश भी होते हैं पर टूथब्रश की बात नहीं की यहाँ पर, इसने कहा स्पेसिस बिटवीन टीथ, जो स्पेसिस बिटवीन टीथ होता है उसके लिए स्पेशली एक बना होता है डेंटल फ्लॉस, तो वो क्लियर अच्छे से साफ कर सकता है टूथब्रश से भी ज़्यादा अच्छे से, काफ़ी थिन होते हैं। तो राइट ऑप्शन सी होगा उसका, डेंटल फ्लॉस। 28, विच इज़ द रिकमेंडेड हिंदी पढ़ते हैं, रिज्यूम के लिए अनुशंसित अधिकतम लंबाई क्या है। तो रिज्यूम कितने पेज का होना सही रहेगा, तो वैसे 1 से 2 पेज का रिज्यूम ठीक रहता है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1 पेज, क्योंकि 3 पेज ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से 2 पेज ठीक रहता है, तो 1 पेज का आंसर दे देंगे हम। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 29, विच बिहेवियर इंडिकेट्स ए लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी, ब्लेमिंग अदर विदाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन। 30, विच बिहेवियर इंडिकेट्स द एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नॉडिंग एंड मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो 31 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन। 32 क्वेश्चन, विच बॉडी लैंग्वेज क्यू इंडिकेट्स द कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी इन ए बिजनेस मीटिंग। तो 32 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मेकिंग गेस्चर वाइल स्पीकिंग। 33, विच रेंज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग द मैसेज बाय द रिसीवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा बी, डिकोडिंग। 34, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज मोर यूनिवर्सल एंड अंडरस्टूड अक्रॉस कल्चर्स। तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी आपके पास, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 35, विच सी स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो 35 का आपके पास हो जाएगा सी ऑप्शन सही, कंप्लीटनेस। 35 के बाद 36, विच कॉम्पोनेंट ऑफ पैरा लिंग्विस्टिक्स इज रिलेटेड टू द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द वॉइस। तो 35 का हो जाएगा आपके पास सही ऑप्शन सी, वॉल्यूम। 37, विच लिसनिंग स्किल इन्वॉल्व रेस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू द स्पीकर्स मैसेज। तो 37 का राइट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ए, एक्टिव लिसनिंग। 38,
विच स्किल इज एसेंशियल फॉर एंगेजिंग इज इन मीनिंगफुल स्मॉल टॉक। तो 38 का आपके पास राइट ऑप्शन जाएगा बी एक्टिव लिसनिंग। 39 व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ प्रोफेशनल ईमेल। तो 39 का हो जाएगा आपके पास राइट ऑप्शन सी टू कम्युनिकेट बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। 40 व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस इंटरव्यूज बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू। तो 40 का आपके पास राइट ऑप्शन जाएगा बी टू रिड्यूस नर्वसनेस एंड इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। 41 क्वेश्चन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग ए ग्रुप डिस्कशन। तो 41 का आपके पास राइट ऑप्शन जाएगा ए सेलेक्टिंग द टॉपिक। फर्स्ट स्टेप होता है कि विषयों का चयन करें आप। 42 इन विच कल्चर इज डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट ऑफन कंसिडर्ड डिसरिस्पेक्टफुल। तो 42 का हो जाएगा एशियन, क्योंकि अगर हम जापान में बात करें, जापान या कोरिया में, तो इन दो देशों में आई कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, जो कि हमारे पास ईस्ट एशिया में पढ़ते हैं। 43 विच बॉडी लैंग्वेज क्यू मे इंडिकेट सोशल डिस्टेंसिंग अवेयरनेस इन द पोस्ट कोरोना एरा। तो 43 का आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अवॉइडिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट। 44 विच बॉडी लैंग्वेज क्यू मे इंडिकेट एडेप्टिबिलिटी टू न्यू नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स। 44 का आपके पास राइट ऑप्शन जाएगा बींग ओपन टू चेंज। 45 विच पैरालिंग्विस्टिक फीचर एम्फेसिस द प्रोनाउंसिएशन और चॉइस ऑफ द वर्ड। तो 45 का आपके पास राइट ऑप्शन जाएगा ए टोन। 46 विच क्वेश्चनिंग स्किल इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चन दैट गाइड द रिस्पोंडेंट टवर्ड्स ए पर्टिकुलर आंसर। तो 46 का आपके पास राइट ऑप्शन जाएगा बी लीडिंग क्वेश्चन। 47 व्हाट शुड यू डू इफ यू वांट टू कनेक्ट विद समवन ऑन लिंक्ड इन होम यू हैव नॉट मेट। तो 47 का राइट ऑप्शन आपके पास जाएगा बी सेंड ए पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट मॉनिटरिंग ए कॉमन कनेक्शन। 48 विच बॉडी लैंग्वेज क्यू मे इंडिकेट इंक्रीज्ड हाइजीन अवेयरनेस। तो 48 का राइट ऑप्शन इज बी अवॉइडिंग हैंडशेक्स। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेफिनेशन डिफाइंस पर्सनैलिटी। तो 49 का राइट ऑप्शन आपको जाएगा बी द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। 50 विच डायमेंशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज प्राइमरी इन्वॉल्व फेशियल एक्सप्रेशन। तो 50 का होगा आपके पास राइट ऑप्शन बी काइनेसिक्स। फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं काइनेसिक्स में। 51 विच टर्म रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सपर्ट लेस एफर्ट्स वेन वर्किंग इन अ ग्रुप देन वेन अलोन। तो 51 का हो जाएगा सोशल लॉफिंग। ये एक टाइप का ये होता है कि जिसमें हम ग्रुप में अच्छे से काम कर सकते हैं और ग्रुप में कम अच्छे से काम कर सकते हैं और अकेले में अच्छे से काम कर सकते हैं, तो ऐसे लोग कहलाते हैं सोशली लॉफिंग या फिर सामाजिक आलस्य। 52 विच टर्म रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल बिहेव विद इन अ ग्रुप्स। तो 52 का हो जाएगा आपके पास राइट ऑप्शन सोशल साइकोलॉजी। 53 विच डायमेंशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज डील विद द यूज ऑफ स्पेस। तो 53 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए प्रॉक्सिमिक्स। 54 विच बिहेवियर कैन इंडिकेट दैट अ पर्सन इज बीइंग डिफेंसिव। तो 54 का आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा बी डिफेंसिव में क्रोज्ड आर्म्स एंड लेग्स। 55 वर्ड शुड बी अवॉइडेड टू मेंटेन फोकस ड्यूरिंग ए वर्चुअल मीटिंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी चेकिंग सोशल मीडिया। जब आप वर्चुअल मीटिंग में हैं तो आप बचेंगे थोड़ा सोशल मीडिया से, बचिए आपको चेक करना बार बार, क्योंकि वो फोकस को आपका डिसफोकस कर सकते हैं। 56 विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एम्फेसिस द रोल ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस इन शेपिंग बिहेवियर। तो 56 का राइट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा सी साइकोएनालिटिक थ्योरी। 57 विच पर्सनैलिटी टाइप इज करेक्टराइज्ड by being organized, responsible and reliable। तो 57 का आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा consistent। 58 what does the star method stand for the interview preparation। तो जो star method होता है वो होता है सिचुएशन टास्क, ऐसे होता है आपके पास एक्शन
और आर फॉर रिजल्ट, तो राइट ऑप्शन आपके पास ए रह सकता है। यहाँ बस थोड़ा ही गलत लिखा हुआ है, आंसर की जगह एक्शन आएगा, बट हमारे पास सबसे बेस्ट या बैट कह सकते हैं, बेटर ऑप्शन हमारे पास ए ही है, तो हम ए को ही लगा देंगे अपना राइट ऑप्शन। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिकमेंडेड लिंक्डइन एटिक्यूटी। तो 59 का राइट ऑप्शन आपके पास है डी, सेंडिंग अनसोलिसिटेड सेल्स मैसेज टू कनेक्शंस। 60 क्वेश्चन, विच मेथड इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग ए टॉपिक एंड अलाउइंग ईच द मेंबर टू स्पीक विदाउट एनी इंटरप्शन। तो 60 का राइट ऑप्शन आपको आपका हो जाएगा राउंड रॉबिन डिस्कशन। अब चलते हैं 61 पे अपने। 61 है, विच फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर विद इन अ ग्रुप। तो 61 का राइट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रुप नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। 62, विच पार्ट ऑफ एन ईमेल इज क्रूशियल फॉर ग्रैबिंग द रिसिपिएंट्स अटेंशन। तो 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सब्जेक्ट लाइन। 63, विच क्वेश्चंस टेक्निक इन्वॉल्व्स आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू गैदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोबिंग क्वेश्चंस। 64, विच बैरियर इज रिलेटेड टू द इमोशनल स्टेट ऑफ द कम्युनिकेटर। तो 64 का राइट ऑप्शन होगा आपके पास बी, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। 65, विच सी इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग क्लियर एंड समरी इन कम्युनिकेशन। तो 65 का राइट ऑप्शन होगा ए, क्लैरिटी। 66, विच कल्चर जनरली यूजेज ए फर्म हैंडशेक एज अ ग्रीटिंग। तो 66 का राइट ऑप्शन आपका होगा बी, लैटिन अमेरिकन। 67, विच क्वेश्चनिंग स्किल्स इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस दैट अलो द रेस्पोंडेंट्स टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। 67 का तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। 68, विच पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक इन्वॉल्व्स आस्किंग इंडिविजुअल्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ओन फीलिंग थॉट्स एंड बिहेवियर्स। 68 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज। 69, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मॉडरेटर इन अ ग्रुप डिस्कशन डिस्कसिंग। तो 69 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, टू गाइड एंड रेगुलेट द डिस्कशन। 70, विच प्रैक्टिस इन्वॉल्व पेइंग अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजमेंट। तो 70 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, माइंडफुलनेस। 71, विच डायमेंशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व द यूज ऑफ टच। 71 हो जाएगा सी, हैप्टिक्स। 72, इन विच कल्चर इट इज़ कंसिडर्ड रूड टू द पॉइंट विद वंस फिंगर। तो 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, एशियन। 73, विच बिजनेस एटीक्यूट एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचुअलिटी। 73 का राइट ऑप्शन रहेगा सी, रेस्पेक्टिंग अदर्स टाइम। 74, विच बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट्स ऑनलाइन कॉर्टसी एंड रिस्पेक्ट। तो 74 का हो जाएगा आपके पास राइट ऑप्शन सी, एक्नॉलेजिंग अदर्स कंट्रीब्यूशन। 75, विच एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो 75 का आपके पास राइट ऑप्शन जाएगा बी, फीडबैक। 76, विच बैरियर टू कम्युनिकेशन इज कर्ज्ड बाई डिफरेंसिस इन कल्चर बैकग्राउंड बिलीव एंड वैल्यूज। तो 76 का राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, कल्चरल बैरियर्स। 77, विच सी रेफर्स टू द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन। 77 का आपके पास राइट ऑप्शन जाएगा बी, सी, कॉटरी। 78, विच लिसनिंग स्किल इन्वॉल्व्स पैराफ्रेजिंग एंड रेस्टेटिंग व्हाट द स्पीकर हैज सेड। 78 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। 79 का राइट ऑप्शन रहेगा ए, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनल कनेक्शंस। 80, विच बैरियर अराइसेस ड्यू टू द यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन। तो 80 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, फिजिकल बैरियर्स। 81, विच कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल्स पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग फीलिंग्स एंड बिहेविंग।
81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ट्रेट्स। 82 विच पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक रिक्वायर्स इंडिविजुअल्स टू इंटरप्रेट एम्बिजियस स्टिमुली सच एज पिक्चर्स और स्टोरीज। तो 82 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। 83 इन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू आर मल्टीपल इंटरव्यूअर्स प्रेजेंट टू असेस द कैंडिडेट। तो 83 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन पैनल इंटरव्यू। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द इंटरव्यू प्रोसेस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पोस्टिंग द जॉब वैकेंसी। 85 वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कस्टमाइज द रिज्यूम फॉर ईच जॉब एप्लीकेशन। 85 का राइट ऑप्शन होगा सी टू मैच द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एट ऑफ जॉब। 86 इन विच मैथड डू पार्टिसिपेंट सिट इन अ सर्कल एंड एनी वन कैन स्पीक एट एनी टाइम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी रहेगा फिश बाउल डिस्कशन, क्योंकि इसके अंदर ही हम सर्कल में बैठ के डिस्कशन करते हैं, वैसे डिबेट भी हो सकता है पर हमारे पास यहाँ सर्कल की बात की है तो सर्कल के लिए हम फिश बाउल डिस्कशन पे ही जाएंगे। 87 व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सिमुलेटिंग ए ग्रुप डिस्कशन। तो 87 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी टू अंडरस्टैंड डायनामिक्स ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन। 88 व्हाट शुड ए पार्टिसिपेंट डू इफ दे रियलाइज दे आर कमिटिंग ए कॉमन एरर ड्यूरिंग ए ग्रुप डिस्कशन साइमल्टेशन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बी सीक फीडबैक एंड ट्राई टू करेक्ट द बिहेवियर। 89 विच बिहेवियर इज मोर लाइकली टू बी एग्जिबिटेड बाई इंडिविजुअल विद ए कलेक्टिविस्ट ओरिएंटेशन। तो 89 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी एम्फेसिंग हारमोनी एंड ग्रुप कोहेजन। 90 व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस। 90 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी रिकॉग्नाइजिंग वंस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। 91 विच बॉडी लैंग्वेज गेस्चर ऑफन इंडिकेट्स डिफेंसिवनेस और डिसकम्फर्ट। 91 का हो जाएगा राइट ऑप्शन बी क्रॉस्ड आर्म्स। 92 विच डायमेंशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ आई मूवमेंट। 92 का राइट ऑप्शन होगा ए ऑक्यूलेसिक्स। 93 विच बिजनेस इक्विट इज कंसिडर्ड रिस्पेक्टफुल वेन मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी अवॉइडिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन। 94 विच बैरियर अराइसेस ड्यू टू द यूज ऑफ एम्बिजियस वर्ड्स और जर्गन। तो राइट ऑप्शन होगा 94 का ए सेमेंटिक बैरियर्स। 95 विच एलिमेंट ऑफ पैरालिंग्विस्टिक्स रेफर्स टू द इमोशनल इक्वालिटी और एटीट्यूड बिहाइंड द वर्ड्स। तो 95 का आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ए टॉन। 96 विच लिसनिंग स्किल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ द स्पीकर। तो 96 का राइट ऑप्शन होगा एम्फेथेटिक लिसनिंग। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव स्मॉल टॉक। तो 97 का राइट ऑप्शन होगा आपके पास ए आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। 98 क्वेश्चन आपके पास है व्हाट शुड बी द टोन ऑफ अ प्रोफेशनल ईमेल। तो 98 का जो राइट ऑप्शन होगा वो जाएगा सी फॉर्मल एंड पॉलिसी। 99 व्हाई इज प्रॉपर ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट व्हेन ड्रेसिंग फॉर सक्सेस। तो 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इट शोज रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स। 100 क्वेश्चन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय वन इंटरव्यूअर टू वन इंटरव्यूअर। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि मैंने कोई गलत बताया, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि उसका ऑप्शन मैंने गलत बताया या आपको कुछ और लगता है या आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, और आपको जो क्वेश्चन का आंसर जो लगता है उस क्वेश्चन का वो आप कमेंट बताना, फिर मैं आपको देखकर बता दूंगा कि वो ऑप्शन आपका सही है या गलत है। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।